Hey guys, Jace here. So, आप लोगों में से कई लोग सिंचन के बहुत बड़े फैन होंगे, मैं भी हूँ, और कई लोगों को ये शो डोरेमोन से भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। मे बी आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि आखिर सिंचन किन किन मामलों में डोरेमोन से ज्यादा अच्छा है। आपने मुझसे कई बार कहा था कि सिंचन पर भी वीडियो बनाओ, सो ये वीडियो सिंचन पर ही है। आई एम श्योर इस वीडियो को देख के आप जरूर सिंचन के और भी बड़े फैन हो जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे सिंचन को दूसरे एनिमे शो या कार्टून से अलग और बेहतर बनाती है। वेल, अगर आप डोरेमोन के फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर एंड तक देखिए। और इस वीडियो में मैंने डोरेमोन को क्रिटिसाइज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। वहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए थे जिसकी वजह से मुझे उन बातों को लाना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। सो इस वीडियो में 5 रीजंस दूंगा कि सिंचन ज्यादा एजुकेशनल शो है कंपेयर टू डोरेमोन। तो और ज्यादा पकाते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सिंचन हैज नो बुलिंग और हैरेसमेंट। डोरेमोन में जियान हमेशा नोबिता को तंग करता रहता है, और सुनियो हमेशा इस चीज में जियान की साइड रहता है और उसकी इस काम में मदद भी करता है। कभी कभी तो नोबिता को मार खाते सीधा दिखाया गया है, बहुत ज्यादा दिखाया गया है, खासकर एपिसोड्स में। यहाँ तक कि जब तक नोबिता को कोई तंग नहीं करता है तब तक कहानी शुरू ही नहीं होती है। बहुत सारे एपिसोड्स में आपने देखा ही होगा कि जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते हैं और नोबिता डोरेमोन के पास गैजेट मांगने जाता है, लेकिन दूसरी ओर सिंचन में ऐसा नहीं है। सिंचन के फ्रेंड्स या खुद सिंचन किसी को परेशान या धमकाते नहीं है। सिंचन में मसाओ को थोड़ा डरपोक जरूर दिखाया गया है, लेकिन वो बस स्टोरी को थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एपिसोड ही बुलिंग और हरासमेंट पर बेस्ड हो। जैसे डोरेमोन में अगर जियान और सुनियो नोबिता को परेशान ही नहीं करेंगे तो नोबिता को गैजेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत सारे एपिसोड्स में। तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो एपिसोड ही नहीं बन पाती। सिंचन में देखे तो नैनी मसाओ को परेशान कर रही है और एपिसोड इसमें बेस्ड हो, ऐसा नहीं है। असल में एपिसोड की स्टोरी कुछ और होती है और बीच में कोई ऐसा सीन आता है जहां नैनी मसाओ को परेशान कर रही है। सो आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कई ऐसे सीन्स हैं जहां सिंचन की मोम सिंचन को डांटती या मारती है, तो वो उसके अच्छे के लिए डांटती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई बच्चा गलती करेगा तो उसकी मोम जरूर उसे डांटेगी या मारेगी ताकि वो फिर से वही गलती ना करे, और उसकी मोम ये उसके एजुकेशन पर्पस के लिए करती है। सिंचन डजंट पोर्ट्रे द रिच। डोरेमोन में सबसे ज्यादा अमीर कैरेक्टर सुनियो है। सुनियो इसे बहुत खुश है कि उसके पास बहुत बड़ा घर है और उसके पापा हर बड़ी कंपनी के मालिक के फ्रेंड भी हैं, जिसके कारण वो हमेशा डींगे मारता रहता है कि वह कुछ भी खरीद सकता है। लाइक जब भी सुनियो कुछ खरीदता है जैसे एरोप्लेन, तो वो नोबिता के सामने शो ऑफ करता है, और मुझे लगता है इन्हीं कारणों की वजह से सुनियो को इतना लॉली दिखाया गया है, और न सिर्फ सुनियो को बल्कि उसकी फैमिली को भी। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो वो ठीक भी है, लेकिन पेरेंट्स को भी ऐसा दिखाना क्या ये ठीक है? दूसरी ओर सिंचन में सबसे अमीर कैरेक्टर कजामा है, और मुझे नहीं लगता है कजामा और उसकी फैमिली को इतना लॉली दिखाया गया है। भले ही कजामा कभी कभी शो ऑफ करता है, लेकिन ये चीज बहुत कम दिखाई गई है। और यहाँ तक कि सिंचन की मोम कजामा की मोम के शॉपिंग बकेट को देख के जेलिस फील करती है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कजामा की मोम को ऐसा नहीं दिखाया गया है कि वो शो ऑफ करती हो, बल्कि कजामा की फैमिली को एक अच्छी फैमिली की तरह दिखाया गया है। और कजामा सिंचन का बेस्ट फ्रेंड भी है, और वे दोनों ग्रुप के दूसरे फ्रेंड्स के मुकाबले ज्यादा क्लोज भी है, तो इसलिए सिंचन और कजामा के बीच का रिश्ता सुनियो और नोबिता से बिल्कुल अलग है। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि ज्यादा पैसे होना या अमीर होना बहुत अच्छी बात है, पर उसका गलत इस्तेमाल करना ये एक खराब एजुकेशन की निशानी है। लेकिन असलियत में ऐसे भी कई लोग हैं जो इसका इस्तेमाल समाज की भलाई में लगाते हैं, और इसे कहते हैं एक अच्छी एजुकेशन। सिंचन हैज अ लॉट ऑफ फैमिली लव ड्रोन। डोरेमोन में ज्यादातर स्टोरीज जियान, सुनियो और सुजुगा के बीच ही चलती है, और मुझे लगता है फैमिली लव को डेली बेसिस पे कम ही दिखाया जाता है। यहाँ तक कि नोबिता के पेरेंट्स कभी कभी ही दिखाई देते हैं। दूसरी ओर सिंचन में ना केवल सिंचन और उसकी फ्रेंड्स की कहानियाँ हैं, बल्कि उसके मॉम, डैड, सिस्टर एंड सेरू के साथ कई कहानियाँ भी हैं, जो कि डेली बेस्ड दिखाई जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि सारी स्टोरीज ऐसे ही है जिसमें ढेर सारा फैमिली प्यार है, फुल इमोशन। मेरा मतलब ऐसे कई सीन्स हैं जहां सिंचन अपनी बहन हिमावारी और मॉम डैड की देखभाल करता है, उनके साथ घूमने जाता है, और वो सीन जहां सिंचन के मॉम डैड सिंचन के साथ बैठ के एक्शन कामीन देखते हैं, और हम सिंचन और सेरू के बीच का रिश्ता कैसे भूल सकते हैं, और नोहारा फैमिली की एकता भी। तो ऐसे ही बहुत सारी फैमिली लव स्टोरीज हैं सिंचन में। सिंचन एज अ रियल एडल्ट वर्ल्ड। सो डोरेमोन हो या सिंचन, इन दोनों की ही मूवीज में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे टाइम ट्रैवलिंग, किडनैपिंग, इविल ग्रुप्स और इसी तरह की अनरियलिस्टिक स्टोरीज। लेकिन इससे हटके सिंचन की व्यस्क / एडल्ट दुनिया काफी ज्यादा रियल है और रियलिस्टिक भी, और इसके कई एग्जांपल भी हैं। जैसे सिंचन की मोम अक्सर बचकाने कारणों से परेशान रहती है। जब सिंचन के डैड बाहर से कुछ छिपा के घर लाते हैं, या अपने पॉकेट मनी के बचे सेविंग्स को किसी फोटो बुक में छिपा के रखते हैं, और आखिर में जब किसी कारण से वे पकड़े जाते हैं तो उसकी मोम गुस्से से पागल हो जाती है।
इस तरह की घटनाएं ना केवल उसके परिवार में होती है बल्कि उसके मॉम के फ्रेंड्स के बीच, उनके पड़ोसियों के पड़ोसियों के बीच और किंडरगार्टन में पढ़ाने वाली टीचर्स के बीच भी होती है। और मुझे लगता है कि डोरेमोन में रियल वर्ल्ड की वर्क ऑफ आर्ट बहुत कम ही दिखाई जाती है। तो कई लोग इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड दिखाना एजुकेशन के लिए अच्छा है या नहीं, एंड आई थिंक ये सही है रियल वर्ल्ड शो करना। खासतौर पे जो सिंचन में वर्क ऑफ आर्ट है वो इतना रियल है कि हम इसे अपने रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं। सिंचन के डैड अपने सॉक्स और खुद की साफ सफाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मीन्स वे इन चीजों में थोड़ा लापरवाह है, लेकिन असलियत में उनकी इमेज एक काइंड फैमिली फ्रेंडली आइडल फादर की है। तो ये काफी एजुकेशनल हो सकता है जब कोई बच्चा सिंचन के डैड को देखे और सोचे हमारे पापा हमारे फैमिली को चलाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। सिंचन इज होनेस्ट फैमिली फ्रेंडली एंड फ्रेंड फ्रेंडली। डोरेमोन में कुछ ऐसा है जिसे क्लासिक स्टोरी कहा जा सकता है। सबसे पहले तो नोबिता को जब भी तंग किया जाता है या उस पर गुस्सा किया जाता है तो वो डोरेमोन के पास जाके रोता है और उसकी गैजेट की मदद से अपनी परेशानियों को ठीक करने की कोशिश करता है, और यह कभी काम करता भी है और कभी नहीं भी करता। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है डोरेमोन की स्टोरीज को डिनाई करने का या अच्छा ना बोलने का। मैं खुद डोरेमोन का बहुत बड़ा फैन हूँ और इस बात की कंफर्मेशन आप हमारे चैनल में अपलोड डोरेमोन की ढेर सारी वीडियो से कर ही सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। सो अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्या मतलब हुआ किसी हीरो का जो किसी मुसीबत में फंसने पर तुरंत ही दूसरे पर्सन पर निर्भर हो जाता है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है नोबिता के पास दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, जैसे उसकी काइंडनेस, पर एक बच्चे को ये कहना कि बिकम अ चाइल्ड लाइक नोबिता काफी कठिन होगा। दूसरी ओर सिंचन में देखे जो थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है कि ये कोई भी आसानी से कह सकता है बिकम अ चाइल्ड लाइक सिंचन, सिंचन के जैसा बनो। जरूर सिंचन थोड़ा वल्गर है और शैतानी भी करता है, और शायद ही किसी किंडरगार्टन में कोई बच्चा मिल जाए जो वल्गर ना हो और शैतानी ना करता हो। लेकिन अगर आप फिर भी उसके इस पार्ट को ही देखेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एक बच्चा उसकी हरकतों की नकल करे या उसके जैसा बने। लेकिन सिंचन में ऐसे बहुत सारे वंडरफुल पार्ट्स हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, फैमिली फ्रेंडली और फ्रेंड फ्रेंडली हैं। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप इन 5 कारणों को अच्छे से समझ गए होंगे कि किन किन कारणों में सिंचन ज्यादा एजुकेशनल एनिमे शो है। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियोस किसी दूसरे शो पर बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।